बहरहाल मुंबई में जो किताब मेले होते थे वो उमन साहू सिद्धी कॉलेज में हुआ करते थे, और हम लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि काशी भाई, फारूक भाई यहाँ मौजूद हैं, आमिर भाई, इन तीनों ने इससे पहले के दोनों किताब मेले जो है उसकी कामयाबी के सारी मेहनत हमारे इन दो तीन भाइयों ने माशाल्लाह की थी, वो कर ही लेंगे। आमिर भाई भी चाहते थे यहाँ रहना अच्छा, उन्होंने अब तक मुझे फोन करके मना भी नहीं किया, उन्होंने कहा मैं जरूर पहुँचूंगा, उन्होंने कह रहा था। तो इन तीनों ने इससे पहले के जो दो किताब मेले थे माशाल्लाह कामयाबी के लिए बेहतर मेहनत, और अजमत सईद साहब जो एजुकेशन ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ उर्दू किताब मेलों के इंचार्ज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, इससे पहले दो बहुत अच्छे किताब मेले एक मालेगांव में हुआ 2021 में, और 22 में किताब मेला हुआ वानीबाड़ी में, और वानीबाड़ी जो है वो तमिलनाडु की सरजमीन, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर किताब मेला हो भी सकता है, वहाँ बहुत कामयाब किताब मेला हुआ। अच्छी बात ये है कि नौजवान हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जब से ये आए हैं ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यूथ को ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं, किताब मेले के आकार को बदलना चाहते हैं, वो हमारे दरमियान हैं। मुनीर साहब हैं, मुनीर भाई इससे पहले बॉम्बे आते रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इंचार्ज है माशाल्लाह, और किताब मेलों की बेशतर जिम्मेदारी जो है वो मुनीर भाई के कांधों पर ही होती है। मैं पहले मुंबई की जाने से आप दोनों बात करता हूँ, और 2004 में भी हुआ, 2009 में हुआ, 2012 में हुआ, और इंशाल्लाह आप सभी का तआवुन चाहिए, आप सभी की रहनुमाई चाहिए, इंशाल्लाह जो 26वां किताब मेला है वो अगर मुंबई में आप सब लोगों की सरपरस्त रहनुमाई में इंशाल्लाह होगा, उसके लिए जो है जनवरी 2024 का वक्त जो है वो तय किया गया है। जगह के लिए हम लोग आए थे और जो है किसके साथ कोलाब्रेशन में किसके साथ हो गए, ऑफिशियल कोलाब्रेशन रहता है। जो पुराने चार मेले हुए उसमें दो मेले जो हैं वो महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी और अंजुमन इस्लाम के साथ जॉइंट उसमें हुए हैं जब में, और फिर दो लास्ट के जो हुए वो अंजुमन इस्लाम के साथ हुए हैं। इस बार भी ख्वाहिश यही है कि अंजुमन इस्लाम के साथ जितने भी इदारे यहाँ हैं जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं वो सभी लोगों के साथ मिल के ये वाला बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना है। अभी तक की तारीख की अगर हम बुक फेयर की बात करें तो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बुक फेयर, उर्दू बुक फेयर जो है वो मालेगांव में और इम्तियाज़ भाई के हिस्से में आया, इम्तियाज़ भाई की वजह से और सभी जो मालेगांव के जितने दायरे से लोग मौजूद हैं वो बहुत कामयाब रहा, और इंशाल्लाह फिर इम्तियाज़ भाई का तो अभी बात यह रही थी कि इम्तियाज़ भाई को रिकॉर्ड बनाने की आदत नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ने का वो इनका हिसाब है, तो ये अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी मुंबई बुक फेयर के लिए माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और एनसीपल इसमें आप सब लोगों के साथ है, और अल्लाह ने चाहा तो ये बुक फेयर जो है ये आज तक का सबसे बड़ा बुक फेयर होने वाला है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।